हवा है, ये एक दो पॉइंट आ रहा है। जो ना आ जाओ, बस तुम करो बस, बट दो मिनट का काम। आज हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका वेरिएबल आर सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व करना है। पहला एग्जाम dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के लिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, 4x का अवकलन 1 प्लस वाई का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, 1 का 0 और इज इक्वल टू वी का dv अपॉन डी एक्स। यहाँ से dy बटा dx का मान निकाला, dv बटा dx ये प्लस का 4, लेफ्ट से राइट में जाके माइनस का 4, और ये समीकरण एक में दो व तीन के मान रखने पर, और इसको ये माइनस का 4 राइट में जाके प्लस का 4, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, डी वी के साथ वी के पद और डी एक्स के साथ एक्स के पद दोनों तरफ समाकलन। तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर का समाकलन अपन जानते हैं, 1/a टेन इनवर्स एक्स बटाए डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी जोड़ दिया। यहाँ पर वी का मान वापस से रख दिया 4x प्लस वाई प्लस 1, और इसको थोड़ा हल करने पर वी गेट दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स का भाग लगा दिया, वी गेट दिस, और पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, एक्स का अवकलन 1, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी का डी वी अपॉन डी एक्स, तो प्लस का 1 राइट में जाके माइनस का 1। फिर ये समीकरण एक में वही दो और तीन के मान रखने पर, और कोस वी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोस वी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कोस वी इज इक्वल टू 1, लेफ्ट से कोस वी को राइट में लगे प्लस का कोस वी, चरों को अलग अलग कर लिया, वी के डी वी के साथ वी के पद, डी एक्स के साथ एक्स के पद, और ये इसका एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी जोड़ दिया, और यहाँ पर राइट में लेफ्ट में प्लस एक कर दिया और माइनस एक कर दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया, तो डी वी का इंटीग्रल वी माइनस 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रल करने के लिए, इसको 1 प्लस कोस एक्स का अपन जानते हैं 2cos²x/2, और कोस नीचे से ऊपर जाके sec²x/2, और sec²x/2 का इंटीग्रल अपन जानते हैं 10x/2 होता है, और v का मान वापस x प्लस वाई, और v गेट आंसर। बाय, बंद करते हैं।